हेलो दोस्तों, वेलकम स्विल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुपर फिनिशिंग के बारे में। जैसे इसके पहले हमने बात किया था ग्राइंडिंग के बारे में, वो भी क्या था, एक हमारा सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन था जिसमें सारी चीजें हमने डिस्कस किया। ग्राइंडिंग में एक और जो हमारा टॉपिक रिलेटेड आता है सुपर फिनिशिंग। जैसे नाम से क्लियर होता है, जो फिनिशिंग होगी, सरफेस का जो फिनिशिंग होगा वह किस तरीके से होना चाहिए, सुपर होना चाहिए। यानी सुपर का यहाँ कहने का मतलब है जो हम फिनिशिंग करेंगे वो क्या करेंगे, माइक्रो लेवल पे होनी चाहिए। किस तरीके से होनी चाहिए, माइक्रो लेवल पे होनी चाहिए, यानी बिल्कुल फिनिश होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वैसी फिनिशिंग हम करते हैं, उस ऑपरेशन को करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपर फिनिशिंग। ठीक है, तो जैसा कि डिफिनेशन हमारी क्लियर है कि सुपर फिनिशिंग इज ए माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस। एक हमारा माइक्रो फिनिशिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सरफेस होते हैं, क्या कहते हैं, टू प्रोड्यूस अ कंट्रोल सरफेस कंडीशन वन पार्ट विच इज नॉट ऑब्टेन बाय एनी अदर मेथड। जो उसकी फिनिशिंग है हम दूसरे मेथड से नहीं हम प्राप्त कर सकते, ओनली हमारे क्या है, सुपर फिनिशिंग से हमें वो ऑपरेशन से ही हम फिनिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, सुपर फिनिशिंग इज आल्सो कॉल्ड द माइक्रो स्टोनिंग कंसिस्ट ऑफ द स्क्रबिंग ए स्टोन अगेंस्ट सरफेस फाइन क्वालिटी मेटल फिनिशिंग। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है सुपर फिनिशिंग का। अभी डायग्राम में हम आगे देखेंगे। तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा एक सरफेस होता है, दूसरा सरफेस हमारा होता है, इसमें क्या होता है, एब्रेसिव हमारे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इस पार्ट को, जिस भी हमें सपोज दैट ये हमारा जो प्लेट हो गई, ये हमारा क्या है, वर्क पीस हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से क्या करें, इसे हमें सपोज इसकी सरफेस को क्या करना है, हमें फिनिशिंग करना है, तो एब्रेसिव पार्टिकल हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, वो किस फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम वर्क पीस को बिल्कुल फिनिश करते हैं। ठीक है, वही कह रहा है, माइक्रो स्टोनिंग, स्टोनिंग भी होते हैं उसमें, एब्रेसिव पार्टिकल इसके पहले हमने पढ़ा भी है। सुपर फिनिशिंग इज ए वाइटल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप दैट एनहेंस द अपेरेंस। एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेप है जो अपेरेंस को इंक्रीज करता है, ड्यूरेबिलिटी होगी और उसका जो फंक्शनलिटी है प्रोडक्ट की, आउटर लेयर की, वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब इस मेथड को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा पॉलिशिंग होता है, प्लेटिंग है, पेंडिंग है एंड एनोडाइजिंग है, ये सारे ऑपरेशन होते हैं, डिजायर्ड हमारे ऑपरेशन है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम सुपर फिनिशिंग भी करते हैं। ठीक है, क्रोजन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्रोजन रेजिस्टेंस भी हमारा सेव रहता है, इंश्योरिंग द प्रोडक्ट मीट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। जैसे कि ये कुछ ऑप्शन ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सुपर फिनिशिंग भी यहाँ पे करते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग हमारा है, सैंड ब्लास्टिंग हो गया, पाउडर कोटिंग हो गया, हॉट डीपिंग है, पेंटिंग है, ये भी एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मेनली हम जब यहाँ पे सुपर फिनिशिंग की बात करते हैं तो मेनली किसकी बात करते हैं, लैपिंग की बात करते हैं एंड हॉर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, अभी लैपिंग और हॉर्निंग के बारे टॉपिक में आएंगे हम, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम पे। ठीक है, तो जो हमारा सुपर फिनिशिंग हम ऑपरेशन हम करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। तो इनहेंस अपेरेंस, जो अपेरेंस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होता है। क्रोजन हमारा रेजिस्टेंस होता है, जंग नहीं लगती, उसकी जो क्वालिटी है इंक्रीज, ड्यूरेबिलिटी होती है। फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी हमारा मटेरियल अच्छा होता है, जो उसकी टॉलरेंस है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि माइक्रो लेवल पे हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। स्ट्रेस रिलीफ होता है। ठीक है, एंड इम्प्रूव एडिशन फॉर द कोटिंग, कोटिंग अगर हमें कर लिए हैं तो भी हमारा अच्छा हो जाता है। रिड्यूस द सरफेस रफनेस, और उस सरफेस की जो रफनेस है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे सुपर फिनिशिंग करने के क्या है, एडवांटेज है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये काफी क्या है, कॉस्टली है। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्योंकि सुपर फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें करना पड़ता है। और हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट होता है, जो इन्वायरमेंट को भी क्या कर देगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट इम्पैक्ट करता है।
क्योंकि वेस्ट मटेरियल काफी निकलेंगे, क्योंकि कोई भी आयरन है, सपोज दैट आयरन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू उसको सुपर फिनिशिंग करेंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल निकलेंगे सुपर फिनिशिंग करने के दौरान, तो क्या है वेस्ट तरीके से हमारा मटेरियल भी हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन टाइम लगता है क्योंकि जो उसका प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। क्वालिटी कंट्रोल चैलेंजेस इन अचीविंग द डिजायर्ड फिनिशिंग कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत अगर हमारा फिनिशिंग ज्यादा हो गई या अचीव करना, वो भी हमें काफी इंपॉर्टेंट लगता है इसमें। रिस्क ओवर फिनिशिंग आर डैमेज द सर्फेस, ठीक है। रिस्क भी होते हैं ओवर सर्फेस फिनिशिंग के, ओवर सरफेस फिनिशिंग हो रही है अगर तो डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि डायमीटर उसका तो कंटिन्यू रिड्यूस होता रहता है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट फिनिशिंग मेथड स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और क्या है हमारा एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, ठीक है। हाई एनर्जी प्रोसेस हमारा होता है क्योंकि कंटिन्यू स्लो प्रोसेस है, हाई एनर्जी प्रोसेस भी है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन की बात करें, तुम्हारा जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट होते हैं, गजन पिन होती है, वहां पे हम क्या करते हैं इसका यूज कर सकते हैं, टेक्सटाइल में यूज करते हैं, और जो हमारे एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट होते हैं वहां पे हम ज्यादातर सुपर फिनिशिंग का यूज करते हैं। सुपर फिनिशिंग के अंतर्गत दोस्तों दो ऑपरेशन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉनिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, एक सेकेंड हम बात करेंगे अभी लैपिंग के बारे में। तो हॉनिंग प्रोसेस का मतलब क्या है पहले जान लो। हॉनिंग प्रोसेस का मतलब सीधा है सुपर फिनिशिंग। ये क्या है, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन का ही टूल है, एक तरीके से कहते हैं प्रोसेस है, जिसमें हमारी जो सरफेस है वो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलती है, ठीक है। और ये टाइप है, दो टाइप होते हैं, एक हमारा हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल हॉनिंग प्रोसेस होता है, एक तरीके से मशीन होती है, और एक हमारी क्या होती है वर्टिकल मशीन होती है। अब देखो हॉनिंग प्रोसेस को डिफिनीशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। हॉनिंग इज एन एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए प्रिसिशन सरफेस ऑन ए मेटल वर्क पीस बाय स्क्रबिंग एंड एब्रेसिव ग्राइंडिंग स्टोन और ग्राइंडिंग व्हील एंड इट अलोंग ए कंट्रोल पाथ, ठीक है। हॉनिंग हमारा क्या है, एक प्राइमरी जो अगर हम बात करें, इंप्रूव करता है सरफेस को, उसकी ज्योमेट्री को, बट कैन आल्सो इंप्रूव अ सरफेस फिनिशिंग। और हमारी जो सरफेस फिनिशिंग है वो भी काफी इंप्रूव होती है, ज्योमेट्री है वो भी काफी इंप्रूव होती है। अगर हम इसके टूल की बात करें, जो हमारा सरफेस फिनिशिंग का टूल होता है मेनली, जहां जिससे हम सरफेस फिनिशिंग करते हैं, वो क्या होता है, जो हमारा हॉनिंग टूल होता है सेट ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोस्टली और द सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है, क्योंकि इसके जो बॉन्ड होते हैं एब्रेसिव काफी अच्छा होता है यानी फिनिशिंग करने के लिए। और उस जो हमारा ये प्रोसेस है यानी इस जो हमारा कॉर्नर का पार्ट है जहां से हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्टोन कहते हैं, ठीक है। वही स्टोन की हेल्प से हमारा क्या होता है, कंटिन्यू सुपर फिनिशिंग होती है, फिर हॉनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से माउंट होता है, दे आर द माउंटेड ऑन ए मैंड्रल, एक मैंड्रल पे ये माउंट होता है रोटेट इन ए होल, जैसे देख सकते हैं ये हमारा क्या मैंड्रल है, जो रॉड टाइप में दिख रहा है, ठीक है। ये क्या इसमें माउंटेड है, और ये क्या हमारा एक सरफेस है होल पे, देखो कंटिन्यू क्या करता है हॉनिंग ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। एंड रेडली फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है विद इन द रिसिप्रोकेटिंग एक्सियल मोशन, जैसे हमारा मोशन कर रहा है, ये एक तो रिसिप्रोकेट कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है मोशन, हमारा देख सकते हैं फिगर पे, और इसके बाद भी क्या कह रहा है, काफी राउंड अप कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा हॉर्निंग का प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज इम्प्लाइड टू रिफाइन एंड एनहेंस द इंटरनल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ज्यादातर जो हमारा हॉर्निंग का प्रोसेस होता है वो हम इंटरनल सरफेस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, इंटरनल सरफेस के लिए यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी पूछा भी जाता है। तो सिलेंडर आर द ट्यूबुलर कंपोनेंट सच एज द इंजन सिलेंडर हो गया, जैसे हमारा है हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं, ठीक है। और हमारी बीरिंग है, जो हमारे प्रिसीजन बीरिंग होती है, रिमूव मटेरियल बाय सिमेट्रिक एंड अचीविंग द प्रिसीजियस टॉलरेंस, और हम क्या करते हैं वहां पे, और एक अच्छा टॉलरेंस यानी हम कह सकते हैं मटेरियल रिमूविंग की हेल्प से हमें मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है हॉरिजेंटल हॉनिंग है, हॉरिजेंटल हॉनिंग में देखो हमारा टूल क्या है, हॉरिजेंटल है, ये हमारा मैंड्रल होता है, और ये हमारा क्या है स्टोन है, किस तरीके से क्या है अप डाउन करके क्या होता है फिनिशिंग करता है। और मैं हाँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट होता है कूलिंग के लिए हमें जरूरी होता है, क्योंकि तो जब कूलिंग होता रहेगा तो कंटिन्यू हमारा मटेरियल क्या होगा हीट नहीं होगी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल होनिंग है, यहाँ पे देख सकते ये हमारा टूल है वर्टिकल होनिंग का, यहाँ पे ये कूलिंग हो रही है,
और इस इंटरनल सरफेस को हमें क्या करना है, बिल्कुल फिनिशिंग करनी है, सुपर फिनिशिंग करनी है। तो इसकी हेल्प से देखो ये हमारा टूल क्या रिसिप्रोकेट कर रहा है और घूम भी रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हॉर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखो ये सिलेंडर एक तरीके से हमारा इंजन का, ये देखो सुपर फिनिशिंग कंटिन्यूस में हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है सुपर फिनिशिंग एक ऑपरेशन हमारा हॉर्निंग, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज के बारे में कि क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है। अगर एडवांटेज की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोर, जो हमारे लॉन्ग बोर है या फिर शॉर्ट बोर है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। मेंटेन द ओरिजिनल बोर सेंटर लाइन, जो हमारी सेंटर लाइन है बोर की, वो कुरेड हो जाती है इस प्रोसेस से। मटेरियल कैन बी द फिनिश रिगार्डलेस ऑफ इट्स हार्डनेस, ठीक है। जो हमारा मटेरियल है वो फिनिशिंग हो जाती है, उसकी जो हार्डनेस है यानी कहने का मतलब वो मटेरियल बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिश हो जाता है। द वर्क पीस नीड नॉट बी रोटेट बाय द पावर, इसमें क्या है, जो हमारा वर्क पीस है वो एक जगह पे स्थिर रहता है, उसमें रोटेट करने की जरूरत नहीं होती है, कोई चक की जरूरत नहीं होती है, फेस प्लेट की जरूरत नहीं होती है। ओनली हमारा जो ट्यूब है, यानी मेरा कहने का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा वर्क पीस है, वो जरूरी नहीं है रोटेट हो। हमारा जो टूल है वो ओनली रोटेट होता है, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हॉर्निंग का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्न इज ड्राइवन फ्रॉम ए सेंट्रल शाफ्ट, सो बेंडिंग शाफ्ट कैन नॉट बी यूज। इसमें ऑपरेशन में क्या होता है, जो जैसे हम क्या है, कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वहां बेंडिंग की कंडीशन आ जाती है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा जो टूल है वो हॉरिजेंटली करेगा वर्क या फिर वर्टिकली करेगा, इस तरह अलाइनमेंट होता है। तो वो ओनली सरफेस पे ओनली टच होता है और इजिली हमारा ऑपरेशन करता है, कोई भी टेपर का चांस इसमें नहीं आता है, ठीक है। और कह रहा है कि द रिजल्ट इज ट्रूली राउंड होल, ठीक है, राउंड होल विद इन नो टेपर, और कोई टेपर नहीं होता है, राउंड होल अच्छी तरीके से होता है। तो ये सारे एडवांटेज है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, लिमिटेशन की बात करें, तो वही है, स्लो प्रोसेस होता है और काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि जो मशीन है वो काफी कॉस्टली होती है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल हमारा हो गया, जो हमारी कैम शाफ्ट होती है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। फिनिशिंग राउंड होल के लिए यूज कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल हमारे जो पार्ट है उसके लिए हम फिनिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारे इंजन सिलेंडर होते हैं, बीरिंग होती है, गन बैरल हो गया, रिंग गेज होती है, शाफ्ट है, फ्लैंज है, पिस्टन रिंग है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। और हमारी जो गियर होती है हॉवलिंग में, वहां भी हम क्या करते हैं, हॉर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों हॉर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसी में एक हमारा ऑप्शन आता है लैपिंग का। किसका आता है, लैपिंग का। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, वहां पे क्या है, जो हम हॉर्निंग प्रोसेस कर रहे थे वो इंटरनल के एक तरीके से कर रहे थे। अगर हमें सपोज दैट फ्लैट हमारी सरफेस है, कैसी सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, तो उसको हम अगर सुपर फिनिशिंग करना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, लैपिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हमें सुपर फिनिशिंग करना है, ठीक है, वर्क पीस को। तो हमने क्या किया, इस एब्रेसिव पार्टिकल में रख दिया, एब्रेसिव व्हील के अंदर पूरा इसको फिक्स कर दिया टूल के सारे। अब ये क्या होगा, राउंड अप करेगा, देखो ये राउंड अप कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा दिख रहा है, इसमें स्लरी करके या फिर हम कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल हमारा लगा होता है, जिसके सारे राउंड अप होता है, सुपर फिनिशिंग हमें यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरीके से हम लिख सकते हैं एग्जाम पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा लैपिंग प्रोसेस है, लैपिंग प्रोसेस इज प्रिसिशन मशीनिंग प्रोसेस है, टेक्निक्स है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी अनपैरेलल लेवल पे फ्लैटनेस हमें यहाँ पे मिलती है, सरफेस फिनिशिंग हमें अच्छा मिलता है, ठीक है, मटेरियल के डायमेंशन की एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, ठीक है। इन वेरियस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एब्रेसिव होता है, यूनिक एब्रेसिव तरीके से हम कह सकते हैं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाईली एब्रेसिव एंड स्लरी हो गया है। फिर हमारा कोई पेस्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस पे रखते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, रोटेट होता है हमारा, ठीक है, वर्क पीस इसी में, और रिमूव द मटेरियल सिमेट्रिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए वर्क पीस, और हमारा जो मटेरियल है वो कंटिन्यू सरफेस फिनिशिंग मिल जाती है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेट है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमें पार्टिकल है, यानी जो एब्रेसिव हमारा पार्टिकल है, वो स्लरी के पेस्ट में, क्योंकि हमारा कोई पेस्ट हो सकता है, उसमें हमने इसको रखा, फ्री रोलिंग हमारा मटेरियल हो गया, यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब क्या होगा, ये कंटिन्यूस में मूव करेगा, और हमारे ये जो हमारे वर्क पीस है, ये हमारा जो वर्क पीस है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सुपर फिनिशिंग मिल जाएगी उसको। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो कॉमन लैप मटेरियल इंक्लूडिंग द कास्ट आयरन,
जो हम लैपिंग मटेरियल के लिए मोस्टली कास्ट आयरन हो गया, सॉफ्ट स्टील है, कॉपर है, ब्रॉस है, हार्डवेयर है, हार्डन स्टील है, वो ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जो हमारा लैपिंग का प्रोसेस होता है उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव यूज्ड टू क्रिएट ए स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस ऑन ए वेरियस मटेरियल, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोस्टली हम यूज करते हैं। जैसे कि हमें मेटल्स है, सिरेमिक्स है, ऑप्टिकल कंपोनेंट है, अगर हमें ग्राइंड करना है या फिर सुपर फिनिशिंग तरीके से करनी है। देख रहे हैं आप, ये हमारा फिगर आप एग्जाम में इस तरीके से बना सकते हैं, समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा मटेरियल वर्क पीस इसमें रखते हैं। ये हमारा क्या एब्रेसिव तरीके से टेबल हो गई, क्योंकि एब्रेसिव इसमें ऑलरेडी लगा होता है और ये इस तरह से राउंड अप करता है और हमें मटेरियल क्या होता है, लैपिंग हमारा हो जाता है। ठीक है, तो लैपिंग हमारा क्या है, फ्लैट सर्फेस के लिए मोस्टली एक तरीके से हम यूज करते हैं। बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, ऑफ द लैपिंग प्रोसेस के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, देखो सुपर फिनिशिंग हमें मिलती है। ठीक है, और अगर जो पीक वैली का मतलब क्या है, जो ऊंचे नीचे उसमें होते हैं थोड़े बहुत, वो क्या होता है, एक माइक्रो लेवल पे हमें अच्छी तरीके से उसकी लैपिंग हो जाती है और उसका अपेरेंस क्या होता है, अच्छा हो जाता है। फ्रैक्शन हमारा रिड्यूस होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि हमारा जो मैटिंग पार्ट होते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी लाइफ स्पैन है कंपोनेंट की वह भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लैपिंग हमारा क्या करता है, एनहेंस करता है ज्योमेट्री जो उसकी है, साइज ऑफ द वर्क पीस को, एंड इंश्योरिंग द प्रीसियस डायमेंशन। ठीक है, एंड परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा स्लो ऑपरेशन होता है, स्लो टेम्परेचर एक तरीके से हमारा ऑपरेशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं जो हमारा थर्मल स्ट्रेस क्रिएट होता है उस वर्क पीस पे, वो भी हमारा क्या होता है इसमें मिनिमाइज होता है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है वो कैसा है, लो टेम्परेचर प्रोसेस है। ठीक है, इंप्रूव कंपेटेबिलिटी बिटवीन द पार्ट। ठीक है, जो हमारा कंपेटेबिलिटी बिटवीन दोनों पार्ट के बीच में वो इंप्रूव होती है। ठीक है, वेरियस एप्लीकेशन है फंक्शनल्स एंड देयर एनहेंस द प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो लैपिंग हमारा जो प्रोसेस है टेंड टू बी द कॉस्टली, एक हमारा क्या है, कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंटली एब्रेसिव मटेरियल लॉस हमारा होता है इसपे। ठीक है, रिजल्टिंग हाइटेंड कंजम्पशन एब्रेसिव पार्टिकल ड्यूरिंग द पॉलिशिंग, इंक्रीज प्रोडक्शन एक्सपेंस, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा क्या होता है, काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि स्लरी का यूज कर सकते हैं, मटेरियल हमारा कंटिन्यू क्या होता है, कट होता रहता है उसमें। ठीक है, एक ड्रॉबैक है लैपिंग प्रोसेस इज स्लगिश प्लेस, यानी मेटल हमारा रिमूवल रेट क्वाइट लो होता है इसमें, मेकिंग इट टाइम टेकन, हमारा कंजम्पशन प्रोसेस है टाइम टेकन हमारा होता है, टाइम टेकन होगा तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल वो भी क्या होगी, हैम्पर होगी। ठीक है, और जो हमारा प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट में हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वेस्ट हमारा मटेरियल कंटिन्यू होता रहता है लैपिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ डिसएडवांटेज है जो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बात करें अगर एप्लीकेशन की लैपिंग है, ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्या है कि जो हमारे ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग लेंस होते हैं, मिरर्स होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, फिनिशिंग हमें अच्छी चाहिए होती है तो वहां पे यूज कर सकते हैं। एरोस्पेस हमारे कंपोनेंट होते हैं वहां पे यूज, जो मैंने बाल बीरिंग होती है, वाल्व होते हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल जो हमारे डिवाइस हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन के पार्ट में यूज करते हैं, ज्वेलरी एंड वॉच मेकिंग है, वॉच क्रिस्टल है, सिरेमिक कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक में, एंड टेलीस्कोप मिरर एंड कैमरा लेंस, वहां पे हम क्या करते हैं, लैपिंग का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इजिली के हमारा लैपिंग प्रोसेस क्या होता है, इजी है दोस्तों, फॉनिंग प्रोसेस क्या होता है, और हमारा इसी में सुपर फिनिशिंग का एक तरीके से पार्ट होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, थैंक यू।